subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 55 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक ही दिन में 2123 नए मरीजों की तशखीस हुई है। पानामा के बाद ब्रॉडशीट ने अमीर हुक्मरानों की करप्शन को दोबारा बेनकाब किया। वज़ीर आज़म कहते हैं जानना चाहते हैं ब्रॉडशीट को मजीद तहकीकात से किसने रोका। पाक तुर्क वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद तालीमी शोबे में तावुन की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। पाकिस्तान ने तुर्क सरमायाकारों के लिए ई वीज़ा का अजरा यकीनी बना दिया गया। नवाज शरीफ लोगों को धोखा देकर बैरून मुल्क गए, वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्ट्रिक कार्स आने के बाद इंजन ठीक करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मुल्क में इदारों की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान में अब अवाम की बालादस्ती होगी, लोग हुकूमत से बेजार हो चुके हैं। Greenish hand sanitizer, Alatrin quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। कोरोना वायरस से 55 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 10,772 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,08,824 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,123 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,46,525, सिंध में 2,28,949, खैबर पख्तूनख्वा में 62,018, बलोचिस्तान में 18,467, गिलगित बल्तिस्तान में 4,882, इस्लामाबाद में 39,462, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,521 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 72,02,076 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,450 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,64,650 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,366 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 55 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 10,772 हो गई। पंजाब में 4,323, सिंध में 3,730, खैबर पख्तूनख्वा में 1,748, इस्लामाबाद में 447, बलोचिस्तान में 188, गिलगित बल्तिस्तान में 101 और आज़ाद कश्मीर में 235 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुक्मरानों का बार बार बेनकाब होना मेरी करप्शन के खिलाफ 24 साल जद्दोजहद है। ये अमीर हुक्मरान इंतकाबी कार्ड के पीछे नहीं छुप सकते। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पनामा पेपर्स ने पाकिस्तान के अमीर हुक्मरानों को बेनकाब किया था। अशराफिया ने बाद में NRO का सहारा लिया और NRO की वजह से अशराफिया ने लूटी हुई दौलत को तहफ़ फराहम किया। अशराफिया ने बैरून मुल्क में गैर कानूनी असासे बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अब ब्रॉडशीट मामले पर अमीर हुक्मरान दोबारा बेनकाब हुए हैं। ब्रॉडशीट की वजह से अमीर हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। हुक्मरानों का
बार बार बेनकाब होना मेरी करप्शन के खिलाफ 24 साल जद्दोजहद है। यह अमीर हुक्मरान इंतकामी कार्ड के पीछे नहीं छुप सकते। अशराफिया ने न सिर्फ कौम की दौलत को लूटा बल्कि उनके टैक्स की रकम भी लूटी। NRO की वजह से लूटी रकम जाया हो गई। करप्शन के ये तमाम इंकशाफात अभी तो सिर्फ आगाज है। हम ब्रॉडशीट के मामले में मुकम्मल शफाफ तहकीकात चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं ब्रॉडशीट को मजीद तहकीकात से किसने रोका। पाक तुर्क वज़राए खारजा मुज़ाकरात में इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। तालीमी शोबे में दो तरफा तआवुन के फरोग के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का इनेकाद दफ्तर खारजा में हुआ। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने अपने अपने वफूद की क़यादत की। मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात पाकिस्तान और तुर्की के माबैन मुख्तलिफ शोबाजात में कसीरुल जहती स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कोरोना वबा की दूसरी लहर मजीद खतरनाक साबित हो रही है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए कोरोना वबा के माशी मुज़म्मरात शदीद नौयत के हैं, जिनसे निमटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका काविशें बरोई कार लाने और कमजोर मईशतों को सहारा देने की जरूरत है। दोनों ममालिक के शानदार ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करना होगा। तुर्क वजीर खारजा मिलोत चावुश ओग्लुज ने दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा तजारती इक्तिसादी तआवुन के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन की तहरीक का अब कोई जवाज़ नहीं। सेहत के शोबे में पाकिस्तान खुद कफील हो रहा है। हम पहले थर्मामीटर नहीं बनाते थे, आज वेंटिलेटर बना रहे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ लोगों को धोखा देकर बैरून मुल्क गए। साबिक वजीर आजम के लंदन जाने से एहतसाब के बयानिये को धचका लगा। उनको वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि अपोजिशन की तहरीक का अब कोई जवाब नहीं। तहरीक क्या, ये तो अबू बचाओ मुहिम थी। वजीर आजम से दरख्वास्त की है कि नवाज शरीफ के बाहर जाने पर इंक्वायरी की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली के मामले पर गुज़िश्ता हुकूमतों से गलतियां हुई, हमें बिजली के मसाइल का 15 साल से सामना है। फवाद चौधरी का कहना था कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान खुद कफील हो रहा है। हम पहले थर्मामीटर नहीं बनाते थे, आज वेंटिलेटर बना रहे हैं। बहुत जल्द हम डायलिसिस मशीन बनाएंगे। सनअतें बहाल होंगी तो रोजगार भी मिलेगा। इलेक्ट्रिक कार्स आने के बाद इंजन ठीक करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक कार्स मरम्मत के हवाले से लोगों को तरबियत देंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुल रहमान ने कहा है कि हमारी जंग पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और कानून की अलमबरदारी के लिए और पाकिस्तान में जमहूरी फजाओं की बहाली के लिए है। मुल्क की तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अब हम इस मुल्क में इदारों की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करेंगे और यहाँ आवाम की बालादस्ती होगी। लोरालाई में PDM के जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि धांधली की हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। हमारी जंग पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और कानून की अमलदारी के लिए पाकिस्तान में जमहूरी फिजाओं की बहाली के लिए है। मुल्क की तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हैं, कौम एक प्लेटफॉर्म पर है। फजल रहमान का कहना था कि याद रखें, इमरान खान को तो जाना ही जाना है। ये जाली हुकूमत, जाली वजीर आजम है, इसे तो अकल ही नहीं है, इसका कोई नजरिया नहीं। कभी कहता है रियासत मदीना होना चाहिए, कभी कहता है चीनी निज़ाम होना चाहिए, कभी कहता है ईरानी निज़ाम की जरूरत है, कभी कहता है अमरीकी निज़ाम होना चाहिए। फजल रहमान ने कहा कि आज हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हमने पाकिस्तान को अमरीकी कॉलोनी नहीं बनने देना। मुल्क में जमहूरी फिजा नहीं है और हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं। पाकिस्तान के मालिक आवाम हैं या कुछ ताकतवर इदारे हैं। अब हम इस मुल्क में इदारों की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करेंगे, यहाँ अब आवाम की बालादस्ती होगी। लोग हुकूमत से बेजार हो चुके हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग TV YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।